मेरे ग्रीन लाइवर चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है, ये फरवरी के जो प्लांट आते हैं वो मैंने नर्सरी शॉपिंग की है, वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। काफ़ी सारे ऐड किए हैं मैंने। और आज देखिए, मैंने ये कुछ इस तरह से गैलरी टाइप की बना रखी है अपने फ्लावर प्लांट की, और मैं आपको सारे ही फ्लावर ये दिखाने वाली हूँ। आइए लास्ट तक बने रहे वीडियो में। देखिए, ये कार्नेशन का है, ये परमानेंट प्लांट है, बड़ा ही खूबसूरत है। और ये भी आप बाय कर सकते हो इस महीने में, फरवरी में। और एक ये है, बस इसे छायादार जगह में रखना, और वेल ड्रेन इसकी सोल चाहिए। और ये देखो, ये शीप मंकी है, इसको भी आप खरीद सकते हो। बहुत प्यारा प्लांट है ये फ्लावर प्लांट, और कितना ग्रीन भी देता है, देखो कितनी ग्रीनरी भी दे रहा है साथ साथ। एक ये है मैरून कलर का, एक ये, तीन है मेरे पास। और अब मैं दिखाती हूँ मैंने इस समय मैंने क्या बाय किया है नर्सरी से संडे शॉपिंग में। तो ये देखिए, ये है ये रैनम क्लश, कितना प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये अभी नर्सरी में काफ़ी आ रहे हैं, और बड़े प्यारे प्यारे इस कलर में मिलते हैं, कई सारे कलर में मिलते हैं। ये देखो, एक ये रेड है मेरे पास, रेड और ऑरेंज कलर का। और एक ये देखो कितना प्यारा है, ये मैंने अभी ऐड किया है, ये बहुत ही सुंदर है। ये देखो कितना खूबसूरत है, ये येलो कलर का। और एक ये वाला है येलो और ऑरेंज में, देखो कितना प्यारा कलर है इसका, बहुत ही सुंदर है। और ये तीन है मेरे पास, और ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था, मगर इसमें तब उस समय फूल नहीं था, और ये भी दिखाया था उस समय फूल नहीं था तो पिछली वीडियो में। और ये मैंने अभी बाय किया है। और ये देखिए, मैंने डेंथस भी बाय किया है कि परमानेंट प्लांट होता है। और इसको भी अब जैसे फरवरी आ गई है, गर्म दिन आ गया है, तो इसको एक दो घंटे की सुबह की धूप दो, और बाकी इसे छायादार जगह में रखो। ये देखो, एक ये कलर है, कितना प्यारा है, और कितने सारे फूल खिले हैं इसमें। और एक ये कलर है, ये भी अभी ख़रीदा है मैंने, न्यू है मेरा। और एक ये भी न्यू है, ये भी अभी ख़रीदा है। ये देखो कितना सुंदर है, और बहुत ही सुंदर है। ये दोनों एक से हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों एक ही कलर के लग रहे हैं मुझे, थोड़ा ही बहुत डिफरेंस है। और ये भी बहुत कलर रंगों में आते हैं। मैं इसकी पूरी पिंचिंग कर दी तो इन पे, और इनकी भी कर दी थी, तो ये देखो कितना सारा इसमें निकल के आया है। और इसकी भी कर दी है, तो ये भी निकल के आया है। इनकी सबकी पिंचिंग कर रखी है। एक मैंने ये अपनी कंडेजी ये अपने गार्डन में ऐड किया है, इसको भी बढ़ाया है। देखो कितनी सारी बर्ड्स हैं इसमें, हेल्दी प्लांट है, ये भी आप ले सकते हैं। एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। ये देखो तीनों कितने खूबसूरत लगते हैं जब खिलते हैं। और एक ये है, देखो ये सिनेरिया का है, ये भी मैंने ऐड किया है अपने गार्डन में। और ये कितना सुंदर फ्लावर है, देखो कितना कलर, कितना सुंदर है। इसमें कई सारे कलर आते हैं इसमें भी, तरह तरह के अलग अलग। और एक ये वाला है, ये थोड़ा सा बूशी कम है, और लेकिन कलर बहुत प्यारा है। और एक ये है, मैंने तीन बाय किए हैं। तो एक ये वाला है, ये ब्लू कलर है, अभी देखो बन के आ रहा है फूल अभी, तो अभी टाइम लगेगा इसको। और अगर आप ख़रीदना चाहते हो इस समय फरवरी में, तो खरीद सकते हो। और इसकी मैं क्या तारीफ़ करूँ, ये देखो, ये तो वास्तव में इतना प्यारा फ्लावर है। विंटर में शुरू में ले लो, और लास्ट तक आपको गर्मियों तक ये बने रहते हैं, अप्रैल मई तक ये फूल देते रहते हैं। ये देखो, एक मैंने ये वाला, ये मेरे पास देखो पहले ही थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये प्रेमिला और या प्राइम रोज भी कहते हैं इसको। एक ये और एक ये और एक ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आता प्राइम रोज भी। ये देखो कितना खूबसूरत है, ये देखो। तो ये मेरे पास पहले भी थे, और मैंने न्यू ये इसको ऐड किया है अभी नर्सरी से, इसको लेके आई मैं, ये वाला कलर नहीं था। तो मुझे ये सारे जब पसंद आए तो मैं ये भी बाय किया। आप मेरे चैनल पर न्यू तो पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और खूबसूरत फूल मैं आपको दिखाती रहूं। एक प्लांट मैंने ये भी बाय किया, देखो ये ऐसे लग रहा है जैसे दिखने में तो जैसे टमाटर हो, लेकिन इसकी लीफ देखो, ये मिर्च का प्लांट है, ये गोल वाली मिर्च जो होती है, और वो तीखी मिर्च होती है, तो ये खाने में भी काम आती है। ये देखो, ये रेड हो जाती है बाद में पकने के बाद, बिल्कुल अभी तो ऑरेंज है, फिर ये रेड हो जाती है, तो इसको भी आप ले सकते हो। और ये देखो, ये एक्जोरा भी लिया था मैंने, पहले ये दिखाया था, तो ये भी अब इस पे देखो हर ब्रांच पे छोटे छोटे फूलों का, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, इस पे बर्ड्स बने हुए हैं और फूल इस पे खिलने वाले हैं। और एक ये प्लांट है मेरे पास, ये
ये देखो इम्पेशेंस, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। अभी भी नर्सरी में काफ़ी आ रहे हैं ये, और हर कलर में आते हैं, कई सारे कलर में आते हैं ये। 12 महीने का प्लांट है, ये ले सकते हो आप। और एक ये ल्यूपिन है, तो इस पर अभी देखो ये बंच नई नई आ रही है, ये पर्पल कलर का है, बहुत सुंदर प्लांट है। और लेकिन इसके बस ये है कि ये इसके फूल बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। और एक ये निमेशिया, इस पर भी देखो फूल बने हुए हैं, और अभी कितनी सारी बड्स आई हुई हैं। तो ये 2 प्लांट हैं मेरे पास, और इसमें भी कई सारे कलर अब में आता है। और ये देखो बर्बीनगा अभी भी, और इस पर फ्लावरिंग चल रही है, और ये काफ़ी सारी कई बार ये दे चुके हैं, और कितनी हर ब्रांच में इसमें बड बनी हुई है। और मैं आपको एक न्यू प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने अपने गार्डन में ये पहली बार ऐड किया है, डांसिंग डोल। तो ये बड़ा ही खूबसूरत होता है, और कई कलर रंगों में मिलता है ये। तो ये देखो कितना सुंदर है, फ्यूशिया भी इसका नाम है, फ्यूशिया भी बोलते हैं इसको। और ये जो है 2 कलर में आता है, जैसे ये एक कलर ऊपर का टॉप का अलग होता है और ये नीचे का अलग होता है, लेकिन ये सुंदर बहुत होता है। ये देखो कितना खूबसूरत है। तो ये मुझे बहुत ही मुश्किल में मिला, और मैं इसीलिए इन फूलों की वजह से मैं सप्ते में 1 या 2 बार ज़रूर जाती हूँ, और जिससे नए नए फ्लावर मुझे मिलते रहे, और हेल्दी फ्लावर भी मिल जाते हैं अगर मैं जल्दी जल्दी जाती तो। तो देखिए ये मुझे बहुत ही पसंद आया, इसको भी आप ले सकते हैं। और ये वैसे 12 महीने का होता है ये, क्योंकि ये विंटर का प्लांट है, तो ये जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे ये 12 महीने फूल देता है। ये देखो कितना खूबसूरत है। और एक प्लांट ये मैंने पहले लिया था, तो ये बेगम बहार का, इस पर उस समय फूल नहीं था, तो अब देखो इस पर भी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। ये देखो कितनी खूबसूरत पर्पल कलर का है, ये भी कई सारे कलर में आता है, कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें। ये देखो, और ये देखो ये जेरेनियम है, जेरेनियम भी कई सारे कलर रंगों में आता है, और मेरे पास तो ये लगभग एक जैसे ही कलर हैं। ये देखो, और मैंने मगर इनकी कटिंग बहुत सारी लगाई है, हर कलर की मैंने, पिंक कलर की, वाइट कलर की, बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है। इसकी कटिंग जो है इजीली लग जाती है, तो कटिंग से लगा सकते हैं हम इसको। ये देखो कितनी सुंदर है, अभी भी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये 12 महीने का प्लांट होता है। और इसको भी मैंने 1 सप्ताह पहले नर्सरी से बाय किया था, ये गोडेशिया है, ये भी कई कलर रंगों में आता है, और बहुत ही खूबसूरत फूल आता है। देखो इस पर कितना सारा बना हुआ है, ये सभी पे, जितनी भी ब्रांचेज है सभी पे फूल आएगा, तो बहुत ही प्यारा लगा, और कितना बड़ा भी है इसका फूल। देख, एक प्लांट मैंने ये भी बाय किया है, देखो ये येलो कलर का, ये स्टॉक प्लांट, तो ये सिंगल पेटल का है, हालांकि मेरे पास डबल में बहुत सारे हैं, कई सारे कलर में अभी दिखाने वाली हूँ आपको, तो पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये अभी ख़रीदा है मैंने। ये देखो कितना सुंदर है, और ये देखो ये डबल पेटल के हैं, देखो ये कितना ऐसे बिल्कुल एक दूसरे में पता ही नहीं चलता इनका कितने फ्लोवर हैं, देखो, और बहुत ही प्यारे लगते हैं स्टॉक प्लांट भी। तो मैं इसको अभी भी ख़रीद रही हूँ, ये भी चलता रहेगा ये जहाँ तक, ये तो मेरे पूरे विंटर हो गए, मुझे नवंबर में या ख़रीदा होगा, हाँ मैंने नवंबर में ख़रीदा था, और ये आज भी मेरे जो है फूल इस पर मतलब हर समय फूल 24 घंटे खिले रहते हैं, बने रहते हैं। ये देखो, और ये देखो एक ये है, और एक ये है, कलर भी इसके बहुत सारे आते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखो ये पर्पल कलर का है, कितना सुंदर है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब मैं आगे जल्दी जल्दी वीडियो दिखाती चली जा रही हूँ, क्योंकि लंबी हो जाएगी। और ये मैंने पहले भी दिखाया आपको, और ये देखो ये यूफोरबिया, तो ये मैंने कटिंग से लगाया था, इसमें भी कितना सुंदर आ रहा है। और ये मैंने पहले ख़रीदा था, इस पर भी 12 महीने फूल आते हैं, मैंने कभी देखा ही नहीं है इसको कि जिस दिन इस पर फूल ना हो। ये देखो ये छोटा है हाइब्रिड, तो ये भी आप ले सकते हैं, 12 महीने फूल अगर आप पसंद करते हैं तो यूफोरबिया को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो और ये मैंने ख़रीदा था, ये देखो कितना सुंदर फूल आ रहा है इस पर, ये अभी भी फरवरी में काफ़ी आ रहे हैं देखो। और ये अब जो आ रहे हैं, अब जो वैरायटी आ रही है, तो छोटी है, मतलब मीडियम है, और फूल बहुत बड़ा बड़ा है, और कई सारे फूल बने हुए हैं उस, देखो ये भी और ये भी, इस समय कई सारे फूल बने हुए हैं। और ये इस समय जो फरवरी में ये प्लांट आते हैं बने हुए, तो इन पर फूल अच्छा आता है। ये फायर बॉल और ये पॉइंसेटिया, ये अभी भी बनी हुई है। और मैं आपको अपने एक कलेंचो दिखाती हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले भी दिखाई है, कई सारे कलर रंगों में है, और ये 12 महीने का, ये भी ले सकते हो। देखो एक कलर ये है,
और एक कलर ये है, एक कलर ये कितना प्यारा है, और एक कलर ये है, और एक कलर ये है खूबसूरत सा, देखो कितना प्यारा है। और एक कलर मेरे पास ये है, और एक रेड कलर, और एक मजेंटा कलर, और अलग भी रखा है, तो ये भी आप ले सकते हो। और ये भी ऐसी है, ये पूरे विंटर बने रहते हैं, और ये मई तक ये बने रहेंगे, बहुत प्यारा है। और एक ये है, ये बिगोनिया, ये और ये भी, इस पर भी देखो जब से लिया है फूल बराबर लगे हुए। इन्हें जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं इन्हें आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। कमेलिया ये काफ़ी समय पहले लिया था, 2-3 महीने हो गए, और देखो फूल इसका, मैंने बताया था आपको इसका फूल जो होता है वो फरवरी में ही आता है, और बहुत बड़ा फूल आता है। देखो अब इसका ये फूल कुछ इस तरह इतना खिला है, तो अभी ये पूरा नहीं खिला है। और ये देखो मेरे ये नेस्टेटियम भी मेरे पास कई सारे हैं, एशियाटिक ले लिया, पहले मैंने विंटर में भी ली थी, और ये मैंने पिछले महीने ली थी, तो अब इस पर फूल खिल के आ रहा है देखो। और ये भी मुझे लग रहा है ऑरेंज है, मेरे पास पहले भी ऑरेंज कलर का था। और ये मेरे गजानिया के हैं, ये देखो कितना सुंदर फूल है इन पे भी। और ये मेरे ये बटरफ्लाई, ये देखो ये भी कितने सारे हैं, एक ये है, एक ये है, ये भी खिले हुए हैं, ये भी जो है ये तो सीजनल होता है। और एक ये फेलुक्स जो होता है, ये हाइब्रिड है, ये देखो कितना प्यारा अभी भी आ रहा है, ये ले सकते हो आप। ये देखो कितना सुंदर कलर है इसका, ये भी कई सारे कलर रंगों में आता है, तो इसको भी आप बाय कर सकते हो, कितना प्यारा कलर है इसका। और ये पप डेजी, ये देखो ये भी खूबसूरत होता है, इसको भी आप ले सकते हो, कई सारे कलर रंगों में आता है ये भी, इसको मैंने पहले भी आपको दिखाया है। एक ये है, ये देखो आइस प्लांट, ये भी जहाँ ज़्यादा ठंड होती है 12 महीने फूल खिलता है, तो जहाँ गर्मी होती है उसको इसको बचाना पड़ता है। ये देखो एक ये कलर है, और एक ये कलर है, एक ये पिंक है, तो ये मेरे पास कई सारे हैं। ये देखो एक ये है, और एक ये है, और मैंने कटिंग से भी तैयार किए हैं, ये कटिंग से भी इजीली तैयार हो जाते हैं। डॉग फ्लावर, इस पर तो इस पर भी बहुत फूल आता है, और अभी भी बहुत सुंदर सुंदर जो है नर्सरी में आए हुए हैं खूबसूरत। मैं तो नहीं लाई, क्योंकि मेरे पास ये दो थे, एक ये देखिए इनके तो फूल अभी समय फरवरी में भर भर के आ रहे हैं। और ये देखो ये मेरे पास सारे ही कलर मिलेंगे आपको, ये देखो ये रेड है, और ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है स्टार में, और एक ये है, और एक ये मजेंटा के भी दो हैं, लाइट और डार्क, और ये पर्पल है, और एक ये ऑनियन कलर है, ये मैंने बास्केट में रखा ही। देखिए एक पिटोनिया का मेरा इधर भी रखा है, कितना ये देखिए ये अब कितना सुंदर ब्लूमिंग पे है ये बर्बीना, तो अब इसमें कितना सारा फूल आ रहा है, देखो कितना कितने प्यारे लग रहे हैं ये, बहुत सारा फूल है इसमें। और अभी तो इसमें इतनी सारी ब्रांचेज है, जब ये खिल के आएगा तो पूरा भर जाएगा, ये भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्लांट है ये भी। और सीप मंकी एक इधर भी रखा, कितना इस वीडियो में मैं पूरे फूल नहीं दिखा पाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी मेरे पास 10-15 फ्लावर और भी हैं। और आगे देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक दीजिए, शेयर दीजिए, कमेंट दीजिए, लास्ट तक बने रहिए, थैंक यू।